आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुए प्राकृतिक हादसे की, उसके पीछे की वजहों की और क्या हमें आगे के रास्ते के बारे में सोचना है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। अब तक राहत और बचाव के काम के दौरान चमोली जिला पुलिस ने 19 शव मिलने की पुष्टि की है और बताया जाता है कि करीब 200 के करीब लोग लापता हैं। रात और दिन लगातार बचाव का काम जारी है। सुरंगों के पास से मलबा हटाया जा रहा है और माना जा रहा है कि काफी लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ साथ सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर इस घटना पर लोगों ने गहरा दुख जताया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्लेशियर टूटा क्यों और इस टूट की घटना से वैज्ञानिक हैरान हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि सर्दियों में ग्लेशियर फटने की यह घटना पहली बार नजर आई है, हालांकि ये असमान घटना के तौर पर देखी जा रही है। और कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि गर्मियों में होता है इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जबकि ग्लेशियर टूटते हैं, लेकिन सर्दियों में ये पहली बार सामने आया है जो कि बेहद चौंकाने वाली घटना है। तो आज सवाल ये है कि क्या ग्लेशियर फटने के पीछे कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन है और ये साफ तौर पर संकेत है या कुछ और कारण है, और जब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं गर्मियों में होती हैं तो सर्दियों में अगर ग्लेशियर टूट या फट रहे हैं तो फिर कारण क्या है, ये संकेत क्या है और किस तरीके से पूरे हिमालयी रीजन को अगर देखें तो उसके लिए हमें भविष्य में कदम उठाने की जरूरत होगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। अमरेंद्र कुमार सिंगर हैं, आईजी एनडीआरएफ, आपका स्वागत है अमरेंद्र जी। हमारे साथ टेरी से सीनियर फेलो हैं, जलवायु परिवर्तन पर काम करते हैं, सुरुचि भडवाल हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है मैम। और प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल हमारे साथ हैं, भूविज्ञान विभाग, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अमरेंद्र जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और कोऑर्डिनेशन का काम हम देख रहे हैं अलग अलग एजेंसीज का हो रहा है। अगर हम समझना चाहें कि मोटे तौर पर अगर हम अब तक जो लापता लोग हैं या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, कौन से रीज़न है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त आशंकाएं हैं कि वहाँ पर लोग फंसे हो सकते हैं, या रेस्क्यू की जो टीमें हैं कितनी टीमें हैं और कौन से स्पेसिफिक जोन या इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? इस समय मल्टी एजेंसी एफर्ट वहाँ पे जारी हैं। उन मल्टी एजेंसीज में हमारी आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स के जहाज से सॉर्टीज आ रही हैं, कई हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, हमारे सासे के वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, सीएसआईआर के भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ काम कर रही हैं। दो तरह के कार्य हैं, एक जो रन ऑफ द रिवर में कई लोग जा चुके हैं डाउन द स्ट्रीम, उनको निकालना, उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इस समय हो गया है एक टनल में 34 लोगों के फंसे होने की संभावना है, वो करीब 180 मीटर लंबा एक पार्ट है, उसको खाली कराया जा रहा है, वहाँ से मलबा निकाला जा रहा है और अभी तक 120 मीटर से ज़्यादा मलबा निकाला जा चुका है और थोड़ा बाकी है, उम्मीद है कि अगले एक घंटे में वो मलबा निकाला जा सकेगा और उसके पश्चात वहाँ एक बाइफर्केशन है, वाई फॉर्किंग जिसको कहा जा सकता है, और उसी में से एक साइड में संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि हमारे 34 लोग जो फंसे हैं वहाँ पे हो सकते हैं, तो अभी सारी एजेंसीज का ध्यान उस पर है और वहाँ पे जैसे मलबा और ज़्यादा निकाला जाता है तो एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम या आईटीबीपी की टीम वहाँ पे जाएगी और एक समेकित प्रयास करेगी लोगों को वहाँ से। अमरेंद्र जी, अगर वहाँ तक पहुँचने की बात करें, जो रीच की बात करें, सब कुछ ठीक है यानी कि सड़कों के नज़रिए से और वहाँ पर पहुँचने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई स्पेसिफिक ऐसे कुछ गांव या रीजन बताए जाते हैं जो कि इस नदी की धारा के किनारे जो बसे हुए थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका कह टूटा है? देखिए, ये वन ऑफ घटना थी, घटना होने के पश्चात समय समय पर सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा वहाँ का वाटर लेवल मेजर किया जा रहा था विभिन्न स्थानों पर, आपको चमोली से लेकर और हरिद्वार के बीच में जितने स्थान आते हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, कोडियाला हो, हमारे विभिन्न अन्य स्थान है, वहाँ पे वाटर लेवल को मॉनिटर किया जा रहा था, तो जिनलिए ये देखा गया कि कल दिन के 11 बजे जरूर हमारे हाई फ्लड लेवल से चमोली के पास वहाँ पे लेवल ज़्यादा था, लेकिन उसके पश्चात लेवल ज़्यादा नहीं हुआ है, हाई फ्लड लेवल से कम है,
तो डाउन द स्ट्रीम लोगों को अलर्ट कर दिया गया था, वहाँ के अधिकारियों को, जनमानस को, तो इसके कारण से कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं पैदा हुई है। वाटर लेवल भी कहा जाए कि हानिकारक नहीं रहा है, तथापि हम लोग स्थिति पे सदैव सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। रात्रि में वाटर लेवल चमोली पे थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था, तो उसी हिसाब से हमारे रिलीफ एफर्ट्स भी चल रहे थे। ज़्यादा बढ़ने की दशा में थोड़ी देर के लिए कार्य स्थगित हुआ था, फिर पानी का जो जल स्तर जब कम हुआ तो पुनः उसको चालू किया गया। रात में हमारी गाड़ियां जो मलबे में वो स्लशी होने के कारण मलबा के घुस नहीं पा रही थी, फिर बाद में थोड़ा सॉलिडिफिकेशन हुआ है तो उस कार्य में और गति आई है। एक और छोटा सवाल सिंगर साहब की, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद इस तरह की आशंकाएं थी कि कुछ जो इससे जुड़े हुए वाटर जो सिस्टम है या फिर जो डाउन द लाइन, अगर मैं हरिद्वार तक की बात करूं वहां पर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जो करंट फ्लो है वो वापस नॉर्मल पोजीशन पर दिख रहा है उस पूरे के पूरे टेरेन में, या अभी भी कुछ आशंका बनी हुई है? नहीं नहीं, अभी वर्तमान में स्थिति उसमें कहूँगा कि सामान्य जहाँ तक जल बहाव की स्थिति है, और लेकिन हमारे जैसे मिनिस्टर ऑफ पावर श्री आर के सिंह साहब वहाँ गए थे, और डिफरेंट मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री वगैरह भी लगातार स्थिति पर निगाह रखी हुई है, ताकि यदि कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आती है तो उसको इमीडिएटली हैंडल किया जा सके। वर्तमान में हालांकि स्थिति बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक हमारे जल स्तर का प्रश्न है उसमें कोई स्थिति ऐसी असंतोषजनक या दिक्कत वाली नहीं है। यशपाल जी, अब मैं आता हूँ कि बड़ी वजह क्या है इस घटना के पीछे, अगर आप देखते हैं कि, और ख़ासतौर पर अगर टाइमिंग की बात करूँ, यानी कि फरवरी महीने में इस तरीके से ग्लेशियर का टूटना या फटना, ये अपने आप में एबनॉर्मल चीज़ें हैं कुछ वैज्ञानिक कर रहे हैं, या फिर इसे आपको याद पड़ता है कि एक दो दशक या पिछले 4-5 दशक में कभी इन महीनों में इस तरीके की वहाँ पर टूट की खबरें आई हों, आप लोगों के कोई रिकॉर्ड्स में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हों? हम लोग अभी 5 फरवरी तक उसी एरिया में थे, जोशीमठ से और मलारी तक वाला एरिया हम कवर कर रहे थे। मेरे पास भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है जो कि मेनली क्लाइमेट चेंज पे है, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ जो उसके को इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर नरेश राणा, हम लोग सब 5 फरवरी को ही जोशीमठ से लौटे थे, और हम लोग उस इलाके में देख रहे थे। और जो ऋषि गंगा जहाँ पर यह घटना हुई है तो वो उसका वाटर सेट तो बहुत बड़ा है, तो ऋषि गंगा अगर रुकी होती, डैम हुई होती, तो फिर ये हादसा बहुत बड़ा होता। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऋषि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कि त्रिशूली गंगा कहते हैं, एक छोटी ट्रिब्यूटरी है, तो शायद वो डैमेज हुई होगी। अभी हमारे रिसर्च टीम जो है जोशीमठ में ही है, और आज उन लोगों को जाना था। वहाँ पे 7 मेजर ग्लेशियर्स हैं, और इन 7 मेजर ग्लेशियर्स में 3 ग्लेशियर ऐसे हैं कि जो नॉर्थ फेसिंग है, 3 ग्लेशियर ऐसे हैं जो साउथ फेसिंग है, और 1 ग्लेशियर वेस्ट फेसिंग है। इसमें जो साउथ फेसिंग ग्लेशियर्स हैं इनमें सोलर इंसुलेशन प्रिजर्व होता है और ये सबसे ज़्यादा पिघलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक संभावना हमें लग रही है, 2 साउथ फेसिंग हैंगिंग ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, और जो हैंगिंग ग्लेशियर्स होते हैं उनमें एवलांच करने की, वो बहुत बड़ा टुकड़ा बर्फ और मिट्टी पत्थर का जो है वो फेंक सकते हैं किसी भी ट्रिब्यूटरी में, और ट्रिब्यूटरी ब्लॉक हो सकती है। तो अभी जो सैटेलाइट डेटा अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, उसके उसको अगर मैं देख पा रहा हूँ और जो कुछ मैंने उसमें देखा है, तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो त्रिशूली गंगा है, शायद वो जो है ब्लॉक हुई है। और अभी भी ये कहा जा रहा है, सेंगर साहब वहाँ पे हैं, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे टेलीफोन पे ये बताया गया कि ऋषि गंगा में जो पानी का एक लेवल है वो घट और बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ऋषि गंगा तो ब्लॉक नहीं हुई है, लेकिन उसमें एक ट्रिब्यूटरी कोई ब्लॉक हुई है, और ग्रेडियंट हाई था कल, जो ट्रिब्यूटरी ब्लॉक हुई होगी थोड़ी देर के लिए, उसे जो डिवास्टेशन किया, तो जहाँ पे ग्रेडियंट रिवर्स का हाई होता है और हायर हिमालय में बहुत सारा सेडिमेंट होता है, लूज सेडिमेंट, ग्लेशियोजेनिक मटेरियल, वो सेडिमेंट जब मोबिलाइज होता है तो बड़े बड़े बोल्डर्स को ब्यूएंसी में उनको तैरा देता है। तो ये थोड़ा सा मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि गर्मियों में आमतौर पर इस तरह की मूवमेंट या डेवलपमेंट ग्लेशियर में नजर आती है, क्या ये सच है? और सर्दी के मौसम में अगर इस तरीके का मूवमेंट है तो क्या ये ज्यादा चिंताजनक है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे फिर वजह क्या है? जी, मैं पिछले 40 साल का
हमारे पास रेनफॉल और टेम्परेचर का डाटा इस एरिया का है, और उसके बेसिस पे जो हमने एक प्राइमरी विश्लेषण किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग पिछले 40 साल में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 100 साल के लिए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 ईयर अभी तक का जो आकलन है, और रेनफॉल को अगर मैं मानूं तो रेनफॉल में कमी आ रही है पिछले 40 साल के डाटा में। लेकिन इसमें समझने वाली बात होगी कि रेनफॉल में भले आपके एनुअल रेनफॉल कम हो रहा है 15 मिलीमीटर पर 10 ईयर इसका रिड्यूस हम पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सट्रीम इवेंट हैं मानसून पीरियड में बादल का फटना, ये ग्लेशियर लेक का फटना, ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये सारा खेल जो है वो जलवायु परिवर्तन का है, और जहां तक आप कह रहे हैं कि सर्दियों में ग्लेशियर नहीं फटते हैं ऐसा नहीं है। जो हमारा हिमालय है उसमें क्या होता है कि अगर जो स्नो है उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं कि थाउइंग एंड फ्रीजिंग, वो प्रोसेस अगर होती है जमना और पिघलना तो उससे जो है एवलांच हो सकते हैं और वो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी को रोक सकते हैं। दिनेश पाल जी, आपका ना कि ये सर्दियों में या गर्मियों से मतलब नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती हैं और ग्लेशियर का जमना और पिघलना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है उसका असर नजर आता है। सुरुचि जी, क्या संकेत सीधे तौर पर यह है कि जलवायु परिवर्तन और बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इस पूरे रीजन को लेकर है, और मैं कहूँ कि न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि राष्ट्रीय कुछ रिपोर्ट्स यहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की हैं, सीधे तौर पर यह नज़र आता है कि हम अब पूरे के पूरे इस रीजन में अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के संकेत नहीं बल्कि उसके प्रभाव हमारे सामने इस घटना के साथ? तो इस घटना के सिलसिले में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बहुत क्लियर सिग्नल्स हैं जलवायु परिवर्तन से जो हम लिंकेजेस देख रहे हैं अब इसका। नॉर्मली जब हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं, जो सर अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ये काफी रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरियाज में लोकेटेड हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम माना जाता है। सो आइडियली बहुत नेचुरल कॉजेज होने चाहिए जिसके कारण आप ये जो है ये इफेक्ट ग्लेशियल ब्रेक या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो आप बेसिकली रीजन बन सकते हैं होने के। बट होता क्या है कि इन एरियाज में या तो इरोजन हो, लैंडस्लाइड हो, एवलेंच हो, अर्थक्वेक हो, जिसकी वजह से हो, बट ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है हमें इस केस में। तो बहुत क्लियर है कि इसमें जलवायु परिवर्तन का जो रीजन है, कंट्रीब्यूशन है जो ग्लेशियल ब्रेक में और आउटबर्स्ट फ्लड में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैं कहूंगी। क्योंकि और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि ये नॉर्मली आपको इस तरह के जो ग्लॉफ्स हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स फ्लड्स हैं आपको समर टाइम में या यू नो सून आफ्टर समर दिखने को मिलते हैं, आइस के चंक्स वाटर के फ्लो के साथ बहते हुए, वो नॉर्मल सिचुएशन में है। अब जो सिचुएशन नॉर्मल से परे हटके अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन में, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन किसी एक साल या एक सीजन को लेके नहीं देखते, पर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, 30 साल में जब के ऊपर जो आप तापमान का जो आपका बदलाव आया है, चेंज आया है, सर ने बताया 0.7 डिग्री राइज हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 डिग्री राइज ओवर इंडिया, 0.85 डिग्री राइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं 20वीं सदी में, और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं जहां आपको जो 14,000 ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयन हिंदुकुश हिमालयन रेंज में, उनका जो बैलेंस जो इफेक्ट होने की संभावना है, और ग्लॉफ्स और ज्यादा जो हैं हम इस तरह के इंसिडेंसेस और ग्लेशियल लेक्स के क्रिएशंस को देखने की जो संभावना है, हम मानते हैं कि ये बढ़ने वाले हैं आगे की दशकों में, और हमको इनके लिए बेसिकली सतर्क रहना पड़ेगा और इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो क्या ये कहा जाए सुचि जी कि हिंदू का हिमालय रीजन में अगर हम इस घटना को, जैसे आपने कहा कि जो अब तक तस्वीर या जो चीजें सामने आ रही हैं साफ इशारा कर रही हैं कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन का असर है, तो इस पूरे बेल्ट की अगर मैं बात करूं, हिमालयी बेल्ट की बात करूं, किस तरीके के खतरे आपको लगता है कि उन अलग अलग राज्यों में नजर हो आशंका है, और उनसे बचने के लिए हमारे पास रोड मैप या हमारा जो मॉडल है वो फिर किस तरीके का, और क्या वो कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें जल्द से जल्द उठाने होंगे?
तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारे 12 ऐसे प्रदेश हैं जो हिंदू कुश हिमालयन रेंज के अंतर्गत आते हैं, तो 12 हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे जिनको हम मानते हैं, जिनमें लगभग सभी में हाई अल्टीट्यूडनल रीचेस में आपके पास ग्लेशियर्स होंगे डिफरेंट फॉर्म्स में. अब हर ग्लेशियर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आज नंदा देवी ग्लेशियर जो ब्रेक कर गया तो उसके आसपास के बाकी ग्लेशियर्स भी अनस्टेबल हैं. हर ग्लेशियर की अपनी एक स्टेबिलिटी होती है, एक मास एक्यूमुलेशन होता है जो सर बोल रहे थे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस होता है, उसका एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है. जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट उस ग्लेशियर का इफेक्ट हो जाता है तब वो ग्लेशियर जो है वल्नरेबल हो जाता है, एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाता है जहां पे वो या तो लेक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसमें कि वो ज्यादा पानी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, दूसरा जो है या तो वो ब्रेक करना शुरू कर जाता है थोड़े पॉइंट कुछ पॉइंट से. और यही एग्जाम्पल्स हमें ऑल ओवर द हिमालयन रेंज, इतने 14,000 ग्लेशियर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लेशियर आप बेसिकली देख पाएंगे कि ये इंसिडेंसेस उन एरियाज में जहां ग्लेशियर्स अनस्टेबल होते जा रहे हैं ये इंसिडेंसेस अकर करेंगे. अब इसको पता लगाने के लिए कि कहाँ पे ये अनस्टेबल ग्लेशियर्स हैं, आइडली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस सिस्टम चाहिए आपको. नॉर्मली आप ऑब्जर्वेटरी सेटअप करते हैं ग्लेशियर्स में, आप लॉन्ग टाइम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, आप बेसिकली ग्लेशियर की सिचुएशन को स्टडी करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट हुई, टू टॉक अबाउट द रिस्क रिलेटेड टू ग्लॉफ्स, इस तरह के जो रिस्क हैं. अब पॉसिबल नहीं है कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें इतने सारे ग्लेशियर्स के ऊपर, तो लार्जली लोग सैटेलाइट इमेजरी पे भी डिपेंड करते हैं देखने के लिए कि कैसे स्नो मास जो है रिड्यूस किया, ग्लेशियल एक्सटेंट जो है वो रिड्यूस किया या रिट्रीट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो प्रॉक्सी मेजर्स जो कहेंगे हम उनको भी यूज किया जाता है. अदर मेजर्स तो हम यूज करते हैं जो प्रिकॉशनरी है सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे. हम 1970 की सैटेलाइट इमेजरी लेके और रीसेंट सैटेलाइट इमेजरी लेके ये देख सकते हैं कि हमारे जो ये लेक्स हैं ये कहाँ कहाँ पे बढ़ गए हैं, किन किन लोकेशंस पे, किन किन स्टेट्स में किन किन हाइट्स पे बढ़ गए हैं. और अगर हमारे पास ये